तो आज हम RACIT बुक के चैप्टर 6 के उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानने जा रहे हैं जो RACIT के एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, MHRD का पूरा नाम क्या है? जो MHRD का फुल फॉर्म क्या है? MHRD की फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। करेक्ट आंसर है ए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान कौन सा है? तो हम बात करते हैं क्लाउड बेस्ड स्टोरेज होते क्या है। क्लाउड बेस्ड स्टोरेज का मतलब इंटरनेट के ऊपर आप अपनी कुछ फाइलें रख सको, तो उसे हम बोल देते हैं क्लाउड बेस्ड स्टोरेज। तो राज ई वॉल्ट एक ऐसा क्लाउड बेस्ड स्टोरेज है जहां पर आप अपने डॉक्यूमेंट को डिजिटल फॉर्म में स्टोर कर सकते हो। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए, राज इवॉल्ट। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कुछ बेचने और खरीदने के लिए इस्तेमाल में की जाने वाली वेबसाइट किस श्रेणी में आती है? तो हमने अपने डिस्क्रिप्टिव वीडियो में बात कर रखी है कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट ऐसी वेबसाइट्स होती है जहां पर आप कुछ चीज़ें बेचो या खरीद सकते हो। तो हमारा करेक्ट आंसर है एक ई कॉमर्स वेबसाइट किस श्रेणी में आती है, तो करेक्ट आंसर डी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से हम किस वेबसाइट से शॉपिंग नहीं कर सकते? पेटीएम, जबोंग एंड अमेजन, इन तीनों से आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, जबकि एक पिंट्रेस्ट वाली वेबसाइट से आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पिंट्रेस्ट पे लोग अपने पोस्टर्स हो गए, इमेज हो गए, कुछ अपने थॉट्स हो गए, वो सारी चीज़ें शेयर करते हैं, तो वहाँ से कोई चीज़ ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये एक सोशल मीडिया के रिगार्डिंग आने वाली वेबसाइट का उदाहरण है पिंट्रेस्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? सी, पिंट्रेस्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है? तो माइक्रो ब्लॉगिंग को बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से बनाया गया था ट्विटर के द्वारा। तो हमारे पास में जो करेक्ट आंसर है वो है ट्विटर, कि माइक्रो ब्लॉगिंग जहाँ पर आप करते हो वो करते हो आप ट्विटर पे। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, फेसबुक स्पेस साइट का एक उदाहरण है। तो फेसबुक किस टाइप की वेबसाइट है? वो है सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट। अब हम बात करते हैं सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट होती क्या है। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट के तहत आप अपने कुछ रिलेटिव या फिर एक कम्युनिटी के बेस पे आप नेटवर्किंग के थ्रू कनेक्ट हो सकते हो, तो इसे हम बोल देते हैं सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स। तो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MOOC? मॉक का पूरा नाम क्या है? मॉक का पूरा नाम है मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, तो करेक्ट आंसर है ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है? तो ई कॉमर्स वेबसाइट क्या होती है जहां पर आप कुछ चीजें खरीद सको या फिर कुछ चीजें बेच सको? तो ट्विटर, फेसबुक ये दोनों सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स है, और फ्लिपकार्ट एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जहाँ पर आप कुछ चीज़ें खरीद भी सकते हो और कुछ चीज़ें बेच भी सकते हो। एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ये एक न्यूज वेबसाइट है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है वो है सी, फ्लिपकार्ट एक एग्जांपल है ई कॉमर्स वेबसाइट का। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जॉब सर्च वेबसाइट का एक उदाहरण है, कि आप कौन सी वेबसाइट के थ्रू जॉब को सर्च कर सकते हो? हमारे पास में चार ऑप्शन है, naukri.com, amazon.com, myntra.com और paytm। paytm एक ई कॉमर्स का भी उदाहरण मान सकते हो या फिर एक मोबाइल वॉलेट का भी उदाहरण मान सकते हो। myntra एक ई कॉमर्स का है, अमेजन एक ई कॉमर्स का एग्जाम्पल है, बट naukri.com एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर आप चीज़ें जॉब सर्च कर सकते हो। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है, कि राजस्थान सरकार ने कौन सी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई थी? तो राजस्थान सरकार ने जो ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई थी जिसका नाम है ई बाजार। तो इस वेबसाइट पर आपको अगर जाना है तो ebazaar.gov.in पर आप जा सकते हो। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण है? अब हमने बात की थी क्लाउड स्टोरेज के बारे में। क्लाउड स्टोरेज वो होता है जहां पर आप इंटरनेट के ऊपर अपनी कुछ फाइलें रख सको और ज़रूरत के टाइम पे उनको डाउनलोड कर सको। तो गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट एंड ड्रॉप बॉक्स ये तीनों क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म के उदाहरण हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार के लेन देन का उदाहरण है? कि ऑनलाइन शॉपिंग आप जो करते हो वो किस टाइप का लेन देन का उदाहरण है? B2B या B2C या C2C या इनमें से कोई नहीं। तो ऑनलाइन शॉपिंग हम करते हैं तो वो किसी बिजनेस से किसी कंज्यूमर तक चीज़ का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ये किस टाइप का हुआ? B2C। अगर बिजनेस से किसी बिजनेस तक अगर पहुंचता होता तो उसे बोलते B2B, और किसी कंज्यूमर से दूसरे कंज्यूमर तक पहुंचता तो उसे बोलते C2C। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? वो है B2C। ऑनलाइन वेबसाइट जो ऑनलाइन शॉपिंग है वो आप बिजनेस से किसी कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचाते हो, तो ये एक एग्जांपल हो गया B2C का। तो हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें हमें दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। हमारा पहला स्टेटमेंट है amazon.com पर मोबाइल खरीद सकते हैं। हाँ, amazon.com पर आप मोबाइल खरीद सकते हो। हमारा दूसरा स्टेटमेंट है olx.com पर केवल पुराना सामान बेचा जाता है। ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि olx.com पर आप जरूरी नहीं है कि पुराना सामान ही बेचो, आप नए सामान को भी बेच सकते हो। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? पहला स्टेटमेंट सही है एंड दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन ए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से लाभ ई कॉमर्स से मिलते हैं? कि आप ई कॉमर्स को यूज करते हो तो कौन कौन से लाभों से आप सम्मिलित हो? वो है प्रोडक्ट रेंज, आपको प्रोडक्ट की कोई रेंज नहीं मिलती कि आपको इनमें से चुनने पड़ेंगे। कॉस्ट सेविंग, पैसों की बचत होती है। अगर आप किसी जगह पर जाते तो पैसों जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज वगैरह बहुत सारी चीज़ें लग जाती, तो कॉस्ट सेविंग भी होती है। और आपको मल्टीपल पेमेंट के ऑप्शन भी मिल जाते हैं, आप बहुत सारे पेमेंट के थ्रू भी आप ई कॉमर्स का कोई प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? कि जो भी ऊपर दिए गए हमें ऑप्शंस हैं उन सारों का यूज कर सकते हैं, ये सारे ई कॉमर्स के लाभ है। तो करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबोव। तो हमारा आखिरी क्वेश्चन है, वो है डिजिटल सिग्नेचर किस संस्था के द्वारा प्रमाणित किए जाते हैं? कि जो डिजिटल सिग्नेचर होंगे वो आपके कौन से ऑर्गेनाइजेशन से वेरीफाइड होंगे? वो होते हैं वेरीसाइन एंड इकोसाइन, दोनों कंपनियों के द्वारा वेरीफाई किए जाते हैं। तो फिर हमारा करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है सी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप एक लाइक कीजिए। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। CNC इन्फोटेक आपके हमेशा उज्ज्वल भविष्य की कामना करता है।